हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ ब्रजेश कुमार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ललिता सर सेंट्रल कॉलेज ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन टुडेज वीडियो। मैं आप सभी का ललिता सर सेंट्रल कॉलेज ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस रिलेटेड दो अलग टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसको मैंने PDF रूप में भी आपको दिया हुआ है और मैंने इससे रिलेटेड कई वीडियोज़ भी बनाया है और सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया है कि आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको केवल कैलकुलेशन करना है और यदि आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। मैंने बार बार आपको ये बताया है और तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे जब आप अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे और आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। यदि कैलकुलेशन अच्छा नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं यदि मेहनत करेंगे तो। तो पहला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है। प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर सेटअप किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करना है, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज को और कैपेसिटेंस को करना है। सेकंड क्वेश्चन में एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है और प्लेटों के बीच कोई माध्यम रखा हुआ है तो धारिता कितनी हो गई, 12 माइक्रोफेरेड। तो हमें माध्यम का, हमें मीडियम का क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ऐसा भी इसके लिए मैंने फॉर्मूले, दोनों के लिए मैंने फॉर्मूले डेरिवेट भी किया है और आपको इनसे रिलेटेड, इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया है। आज एक बार और मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा लिखनी आनी चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले क्या क्या दिया उसे हम लिख लेते हैं। तो A=2 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, A=2 यहाँ A=2 दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ 2 मीटर स्क्वायर, चलिए ठीक है। D=2 दिया है 5 मिमी, मिमी का मतलब होता है 1 मिमी = 10^-3 जो है मीटर होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 5 × 10^-3 मीटर लिख सकते हैं। चलिए अब आपको क्या दिया, भी दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है। D=2 कितना दिया हुआ, 10,000 वोल्ट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जब हम सी निकालेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला है εo A/D। तो εo की वैल्यू क्या लिखेंगे, εo वैल्यू तो दिया ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में। तो हमने आपको पहले वाले लेशन बताया था, इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले लेशन बताया था बिल्ड वाले में कि εo की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10^12 भी होती है। इसका यूनिट भी बताया था, डायमेंशन बताया था, उसका डेफिनेशन बताया था और इसके आधार पर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, बस उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। εo की वैल्यू होती है 8.85 × 10^12। अब हम क्या करते हैं, C=2 धारिता की फॉर्मूला लगा देते हैं, εo A/D। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। εo की वैल्यू पहले आया है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, A की 2 है, 2 लिख लीजिए, डिवाइड बाय D की वैल्यू कितनी दी है, 5 × 10^-3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया था इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 5 = 10, हाथ में कैरी 1 आया, 2 × 8 = 16, 1 × 17 हो जाएगा, पॉइंट रहने, दो प्लेस पर रहने दीजिए, 3 × 2 = 16 और 1 × 17 हो जाएगा, मतलब 17.70 आ जाएगा और 10^-12 हो गया और डिवाइड बाई कितना हो गया, 5। और ये जैसे है उसको ऐसे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अब क्या कर लेते हैं, इसका डिवाइड कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, C=2 लिख लेते हैं इसको, 17.70 डिवाइड बाई 5। और मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी पावर 10^10 या किसी भी संख्या के पावर यदि प्लस में है ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, तो उसी आधार पर हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया 3। अब इसका डिवाइड कर लीजिए, इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखा देते हैं, तो 3 बार में जाएगा, 15 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और 7 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर आप 5 बार भी जाएगा, अब 3 2 बच गया, अब जो यहाँ से लिख लिए, अब 4 बार भी जाएगा, नहीं भी जाता तो हम दशमलव के 2 स्थान तक या 3 स्थान तक वैल्यू लिख के छोड़ देते हैं। तो चूँकि यहाँ पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो 3.54, और इसमें से पावर हमने बताया था कि यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो −12 + 3 कितना होगा, −9 होगा, ये हमारा आंसर आओ, इसका मात्रक क्या होता है, फैराड। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। टू में हमें दिया हुआ है वायु की धारिता को सी जीरो से हम इसको डिनोट करते हैं, ये दिया 2.0 माइक्रोफेरेड, और मीडियम की जो धारिता उसको सी से डिनोट करते हैं, 12 दिया माइक्रोफेरेड, और हमें डायरेक्टली कॉन्स्टेंट निकालना के बाय डिफिनेशन सी क्या के इक्वल टू क्या होता है सी बाई सी जीरो होता है। इसी में आप पुट करिए और कैलकुलेट करिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। 12/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, के इक्वल टू कितनी हो गई 6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर टू को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, और इन दोनों क्वेश्चन का आप प्रयास कोशिश करिए उसे लगाने की, और इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया उसे भी सॉल्व करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।